श्री भूपेंद्र यादव जी। सम्माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल पर जब माननीय विवेक तनखा जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि उनको लगता है कि ये केवल कोई स्लोगन है बिल, लेकिन अगर बिल की पृष्ठभूमि देखी जाए तो इस बिल का जो उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति देश से ऊपर नहीं है और कानूनी प्रक्रिया का सबको पालन करना होगा। अगर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में चोरी करके, इकोनॉमिक ऑफेंस करके, ये सोच के अगर विदेश चला जाएगा कि देश के कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, तो ये बिल उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। मैं यहां ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सत्ता से जो दल हटते हैं उसके पीछे कारण होता है, कारण होता है निर्णय नहीं लेने का और देश की आवाज को नहीं पहचानने का। आप हमें बता रहे हैं आपके समय में ब्लैक मनी की रिपोर्ट आई, व्हाइट पेपर आपकी सरकार ने जारी किया और उसमें यह लिखा ब्लैक मनी कैन नॉट बी इफेक्टिवली फॉट अनलेस द जुडिशियल मशीनरी टू डील विथ इट्स स्पेशलाइज एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज इज एक्सपीडिशियस एंड पनिशमेंट एग्जाम्पलरी। लीगल सपोर्ट टू वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शुड बी एनहेंस्ड, ऑल फाइनेंशियल ऑफेंसेस शुड बी ट्राइड थ्रू ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मे हैव टू टेक अप दिस इश्यू ऑन प्रायोरिटी एंड मेक अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑल ओवर द कंट्री इन टाइम बाउंड मैनर। जुडिशियल ऑफिसर्स मे बी प्रोवाइडेड इनपुट फॉर रिक्वायर्ड टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस। तो आपने तो नहीं किया, आप तो व्हाइट पेपर लाके रह गए। और इतना ही नहीं, आपकी सरकार के समय में जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, वीरप्पा मोइली साहब ने उसको हेड करा था, उस सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में भी इसकी रिकमेंडेशन की गई, लेकिन आपने तो नहीं किया। और उसके बाद आपके समय में, आपके समय में हमने उससे पहले, आप 1960 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की, 47 उसको 47 साल बाद लाने का काम हमने किया है। इस देश में लोग देश का पैसा खा के जाते रहे, लेकिन आप लोग कभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ नहीं लेके आए। वीरप्पा मोइली कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन आपने कुछ नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट को 3 साल हो गए थे हमारी सरकार आने के बाद। कैबिनेट का जो पहला निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया वो ब्लैक मनी पे SIT बनाने का किया। और इसलिए इस देश में जो लंबे समय तक समस्या रही है वो समस्या ये रही है कि हम कानूनों को बना नहीं सके और दृढ़ता से उसका पालन नहीं करवा सके। और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इस बिल का सपोर्ट किया है, लेकिन वास्तव में आप बार बार दो नाम बोल रहे थे। यहां पर अप्रैल 2017 में फॉरेन मिनिस्ट्री के जवाब में 30 नाम हैं, 30 के 30 नाम सदन के पटल पर हैं। वो वही हैं जो 2004 से 2014 के बीच में बैंकों का ऋण लेकर के NPA हुए थे और देश छोड़ के भागे थे। इसमें किसी का दोष नहीं, लेकिन शासन व्यवस्था में सही समय पे कानून कैसे आना चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम ये कानून लाने वाले हैं, और मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं अगर बजट का जो सत्र था उसको अगर हमने बाधित नहीं किया होता तो काफी सारी संपत्तियों को इन 6 महीने में आप जब्त कर चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो दूसरा विषय है जो हमारी सरकार ने तय किया है
हमने अगर देश में कोई ऐसी विरासत रही भी है तो हमने उसको बदलने का तय किया है और हम मानते हैं कि केवल आलोचना समाधान का मार्ग नहीं है। ये बात सच है कि 2008 में बैंकों द्वारा कुल 18.6 लाख करोड़ की राशि थी जो मार्च 2014 तक बढ़कर 52.15 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें 36% जो स्ट्रेस प्रॉपर्टी थी वो बढ़कर 82% हो गई। और ये आंकड़ा इसलिए है कि हमें लगता है कि ये जो बिल आया है ये एक ऐसे सही समय पे आया है जिस पर हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहूँगा लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी घोटाले हुए हैं और बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है उसमें दो चीज़ें एक इशारा करती हैं। पहला कि इन अपराधियों ने अगर सरकारी बैंकों का पैसा लेकर के मिली भगत के साथ अगर वो भागे हैं तो निश्चित रूप से शासन में ऐसे कानून को लाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, एक लंबे समय से जो कमेटियां बनी हैं बल्कि जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया था उसने भी जो 2001 में अटल जी के समय में जो कमेटी की मित्रा कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद पिछले 17 साल से लगातार इस लॉ को बनाने की बात आई है। तो एक लंबे समय में जो हम आपराधिक कानूनों के कारण जो अक्षम हो रहे थे उन आपराधिक कानूनों को लाने के लिए सरकार ने सही समय पर कदम उठाया है। और केवल धोखाधड़ी और घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराना एक विषय है लेकिन आर्थिक कानूनी अपराधियों को वापस लाने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी साधनों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना ये देश के लिए आवश्यक है। और इसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में किसी को हटाने की बात नहीं कही लेकिन एक पूरी व्यवस्था की गई है। देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, एक लंबे समय से जिस प्रकार से बैंकों का जो संचालन हुआ है उस संचालन के कारण आज दुनिया में हम कह रहे हैं कि आकार में हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं पर हमारे सामने चुनौती भी है कि खराब ऋण के मामले में जो खराब ऋण जो दिया गया उसके मामले में हम विश्व में पांचवें स्थान पर हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि देश में बहुत बड़ी जो आर्थिक संपत्ति है वो एनपीए हुई है और इसलिए हम इस अध्यादेश को चूंकि संसद के उस सत्र में ये आना था सही समय पे नहीं आया इसको तुरंत लागू करना चाहते थे। और इस अध्यादेश को लागू करने के पीछे सरकार के मन में भी ये विषय है और ये हम सबका विषय है कि जो लोग भगोड़ा आर्थिक अपराध के कारण देश का ये पैसा लेकर के भागे हैं वो पैसा किसका है। वो इस देश के करदाताओं का पैसा है जिसका इस्तेमाल वो आदमी भी रामगोपाल जी 30 लोगों की लिस्ट है और उसमें से एक भी आदमी को सिंगल आदमी को हमारे समय में ना तो एक रुपए का कोई ऋण दिया गया है ना कोई प्रोटेक्शन किया गया है। उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। सभापति जी, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है इसका उपयोग महिलाओं, किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लाभ और सुधार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये वो पैसा है जिसको अगर हम आर्थिक भगोड़ा आर्थिक अपराध के अंतर्गत इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे से पूर्व के जो वरिष्ठ वक्ता कांग्रेस के बोले हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि आप ये बिल क्यों लाए हैं लेकिन सही समय पर रोकथाम इलाज से बेहतर है। और ये कहा जाता है कि छोटा झगड़ा, छोटा कर्जा अगर सही समय पे उसका इलाज कर दिया जाए बाद में वो लंबा बने, एक 6 महीने का समय देकर के अगर उसका सही समय पे न्यायोचित इलाज कर दिया जाए तो वो ज़्यादा ठीक है। और इसलिए अभी माननीय मंत्री जी ने भी इस बिल को एक आवश्यकता बताते हुए कहा है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल
का जो उद्देश्य है ये उन आर्थिक अपराधियों से निपटना है जिसमें कभी कभी शुरू में सभापति जी ने भी ये विषय रखा था कि द्विपक्षीय समझौतों के कारण भारत के जो हमारे समझौते हैं उसके कारण प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कराना, अपने जुडिशियल ऑर्डर का पालन सुनिश्चित कराना, उनको वापस लाना एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रकार के जो आर्थिक अपराधी हैं, और इस बिल के उद्देश्य में भी कहा गया है कि पहला, उन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत के कानून का उनको पालन नहीं करना है, इसलिए वो छोड़ के देश भाग के गए हैं। दूसरा, अगर वो ये मान के चलते हैं कि भारत के न्यायिक परिधि में वो आना नहीं चाहते और इस उद्देश्य के साथ वो अपने इस कुटिल उद्देश्य के साथ अगर देश छोड़ते हैं और देश के शासन का उल्लंघन करते हैं तो एक थोड़े समय का नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनकी संपत्ति को जब्त करके और उसका उपयोग सरकार के द्वारा किया जाना, ये इस बिल के स्वरूप में तय किया गया है। और इसलिए इसमें जो आर्थिक भगोड़ा है उसकी पहचान और घोषणा का एक नियम बनाया गया है और इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी इसका सर्वेक्षण करेंगे, स्थान व्यक्तियों की खोज करेंगे, रिकॉर्ड संपत्ति और अपराध की आय जब्त करने के जो अधिकार दिया जाएगा उसके लिए भी पूरे प्रबंधन की दृष्टि से एक प्रशासक के नियुक्ति का अधिकार इस बिल के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर मैं ये महत्वपूर्ण रूप से याद दिलाना चाहूँगा कि विधेयक इसलिए आवश्यक है कि मौजूदा कानून, जो कि मैंने कमेटियों की रिपोर्ट भी पढ़ी और आपके समय का जो व्हाइट पेपर आप लोग ब्लैक मनी पे लाए थे उसमें भी आपने माना था कि इस समस्या का गंभीरता से निपटने के लिए जो वर्तमान कानून है वो अपर्याप्त है और अपराध की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी, कुशल और त्वरित तंत्र हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। और इसलिए मौजूदा कानून में सुधार के लिए प्रावधान करना ये आवश्यकता था और इसके लिए हम इस कानून को लेकर के आए हैं। और इस कानून के अंतर्गत सबसे जो पहला विषय इस कानून के अंतर्गत है कि भगोड़ा जो है वो किसे घोषित किया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जब ये कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है तो बड़ी मछलियों को पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन मिलता है उनके प्रोटेक्शन को रोकने के लिए एक कठोर कानून लाना आवश्यक है। और इसलिए भगोड़ा घोषित करने के लिए इस बिल के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के जो लोग हैं जिन्होंने देश को छोड़ दिया है और प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पक्ष के सामने कानूनी रूप से जाने से जिन्होंने इनकार कर दिया है, जिन्होंने एक तरीके से देश के कानून को मानने से इनकार कर दिया है, उसके खिलाफ ये बिल लाया गया है। जो पूरा इसका जो शेड्यूल तनखा जी ने पढ़ा है वास्तव में ये वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में भी जुर्माना है, इनकम टैक्स में भी पेमेंट है जुर्माना है, एक्साइज में भी जुर्माना है, या तो जुर्माना है या आर्थिक अपराध है। तो जो सारे विषय जो अपराध की श्रेणी में आते हैं उसको इसके शेड्यूल के अंतर्गत डाला गया है। दूसरा जो विषय है कि इसमें जो निदेशक नियुक्त किया गया है उस नियुक्त निदेशक की भी एक कोई जिम्मेदारी तय की गई है कि वो जो लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए विशेष न्यायालय में ही जाएंगे। और इसलिए पीएमएलए में जो हमने अदालत को डेजिग्नेट किया है उस डेजिग्नेट में जाने के बाद उसके ठिकाने और संपत्तियों की जानकारी को दिया जाएगा और जो संपत्ति जब्त का अधिकार है वो तुरंत नहीं है, वो रिकॉर्ड का सर्वेक्षण वगैरह करने के बाद 180 दिन का समय दिया जाएगा। सरकार ने किसी के भी नागरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास नहीं किया गया। 180 दिन का समय देने के बाद यह विधेयक कुछ अधिकारियों को सर्वेक्षण करने, परिसर की खोज करने, आय को जब्त करने का अधिकार देता है। सर्च और सीजर के जो प्रोसीजर है वह वही प्रोसीजर होंगे जो सीआरपीसी में किए जाते हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त किसके अधिकारों को लेने का विशेष बिल में नहीं किया गया। और जो कार्यवाही है वो कार्यवाही पीएमएलए की जो विशेष कोर्ट है उसको अदालत में कार्यवाही करने का अधिकार दिया। दूसरी बात, अदालती कार्यवाही में भी पहले उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने के बाद कम से कम 6 हफ्ते का समय दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है जब आप गए हो और आपको जब 6 सप्ताह का समय है तो 6 सप्ताह के समय के अंदर आप अदालत में आकर के अपना विषय रख सकते हो, वरना ये माना जाएगा कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, संपत्ति जब्ती की जो प्रक्रिया है
यदि व्यक्ति विशेष अदालत द्वारा निर्दिष्ट समय पर आने में विफल रहता है तो अदालत आवेदन सुनने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आपको 6 हफ्ते का नोटिस देने के बाद अगर आप आने में भी असफल रहते हो, आप नहीं मानते उस देश के कानून को, तो निश्चित रूप से अदालत उसकी प्रक्रिया को शुरू करेगी और कार्यवाही के समापन पर यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वह व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है तो न्यायालय उस भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करेगा और इस तरह के व्यक्तियों संपत्तियों की जब्ती की अपराध की जो आय से बने हैं वो बेनामी संपत्ति चाहे हमारे देश में हो और चाहे विदेश में, उसको कब्जे में लेने का आदेश जारी कर सकेगी और दावों को दाखिल करने से जो रोकने का प्रावधान किया गया वो उसकी संपत्ति के संबंध में जब वो नोटिस को छोड़ेगा तो उसी के संबंध में दिया गया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार ये जो बिल लेकर के आई है इसमें कानूनी प्रक्रिया के पूरे पालन का मौका दिया गया है। अभी एक और जो विषय बार बार इस बिल के संबंध में कहा जाता है कि जब संपत्तियों को 90 दिन के अंदर जो निपटाने का प्रावधान है उसमें सरकार जल्दबाजी कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि दुनिया में अगर हमें अपने देश को अगर ऊंचा उठाना है और आगे बढ़ाना है तो दुनिया में जितने भी भ्रष्टाचार से लड़ने के कानूनों के जो मानदंड हैं, जो प्रक्रियाओं को पालन करने के जो मानदंड है, उस मानदंडों का हमें पालन करना पड़ेगा। और बिल का उद्देश्य क्या है? बिल का जो उद्देश्य है वो जो अवैध धन है, जो इल्लीगल मनी है, जो इस देश की संपत्ति में लोगों को धोखा देकर कमाई गई राशि है, जो इस देश कानून के विरुद्ध ली गई राशि है, उस राशि को एक तरीके से रिकवर करने का है। और सरकार के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें आर्थिक अपराधी के बकाया राशि को कवर करने के लिए आवश्यक सीमा तक उसकी संपत्तियों का निपटान करेगा। और इसलिए प्रशासक को मनमाने ढंग से कार्य करने की इसमें छूट नहीं है। और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश आर्थिक अपराधों में जो सबसे बड़ा विषय है वो ऋण को ना चुकाना है। जो NPA एसेट है उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार के द्वारा और बैंक का जो लिया हुआ पैसा है उसको ना चुकाना, ये जो मानसिकता है इस मानसिकता के खिलाफ एक कड़ा कानून लाना आवश्यक है। और इसलिए विधेयक इन सभी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है और उसका अनुपालन एक सख्त प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो अधिकरण भी है, जो PMLA है, उसमें भी जो उसकी शक्तियाँ हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। इसलिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश ना रह जाए, इसका इस बिल में पूरा प्रावधान किया गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि देश के अनुच्छेद 21 में हमने सभी लोगों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया है, लेकिन कोई भी समान रूप से देश में जो नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है वह वास्तव में उसको है जो देश में नागरिक के रूप में सम्मान पूर्वक तरीके से जीना चाहता है, जो देश की संपत्तियों को लेकर भगोड़ा बनना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा कानून है। और मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि हमारे विभिन्न कमेटियों की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि भारतीय अदालतों के आदेशों को विदेशी अधिकारियों की मदद से विदेशी राष्ट्रों में जो निष्पादित करने की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। भारत कई देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता प्रत्यार्पण के लिए हमारी बायलेटरल TTs हैं, लेकिन उन देशों की उसको हम विस्तार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति देश के धन को लेकर गलत तरीके से गए हैं उनका एक प्रकार से इस बिल के द्वारा प्रावधान करने का विषय किया गया है। और इसलिए हमारे यहाँ पर, महोदय, मैं सबसे अंत में अपने विषय को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो भी राज्य की कल्पना की गई है वो राज्य की कल्पना के बहुत अच्छे कई बार जो विषय हैं वो महाभारत के शांति पर्व में कई अच्छे विषय आते हैं। और उसमें एक जगह कहा गया है, अस्ताम प्रतिषेधश्च सत्ताम च परिपालनम ऐशम राज्ञा परो धर्म समरे चपलायनम। इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ जो सॉवरिन माना गया है, पहले राजा को या स्टेट को माना गया है, लेकिन कोई भी सॉवरिन स्टेट जो है उसका सबसे बड़ा धर्म पालन क्या है? उसका सबसे बड़ा धर्म पालन ये है कि वह दुष्टों को दंड दे और सत्पुरुषों का पालन करे। और जो लोग देश के पैसे को लेकर भागते हैं, जो लोग देश के पैसे के साथ एक तरीके से एक क्रूर मजाक करते हैं कि हम दूसरे देश में चले जाएंगे और हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकेगा, उनको दंड देना, उनकी संपत्ति को एक न्यायपूर्ण तरीके से जब्त करके देश के विकास के लिए लगाना, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक था
जिसकी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और आज हम सब मिलकर के इस संकल्प के साथ इस बिल को पास करें कि आगे से कोई इस देश के पैसे को अवैध रूप से अर्जित करके और कहीं भाग ना सके, उसकी संपत्ति जो है यहाँ पर है वो भारत सरकार के अधीन आकर इस देश के लाभ के लिए लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।